नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी की इस खास पेशकश वोटिंग यात्रा को लेकर। आज कंचन टीवी की टीम अब पहुंची है गांव काड़वा में। यहां पर देख आपको दिखाना चाहूंगा कि सेना के जवान मौजूद हैं। विनोद पासवान जी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार, शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं। और सर आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, किस प्रकार का चुनाव अब तक चला हुआ है? चुनाव तो एकदम शांतिपूर्ण है। तो किसी प्रकार का कोई दंगा या कोई किसी चीज़? नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जैसा कि बताया जा रहा है कि बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से चुनाव चला हुआ है। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो एक बारी बूथ की तरफ मैं आप सभी को लेकर जाऊँगा और दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नौजवानों में, बुज़ुर्गों में और महिलाओं में जोश मौजूद है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार ग्राउंड रिपोर्ट सभी को दिखाए। ये किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। गांव काड़वा में अभी मैं मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देने वाले हैं। जी बता, क्या नाम भाई साहब? सतीश। सतीश जी, किस प्रकार को आप योगदान देना चाहते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए? भाई योगदान तो दे देते भाई, वोटे को नहीं। जी तो मैं चाहूँगा वो किसे सपोर्ट करने वाले हैं भाई साहब? वोटे ना बने रही भाई, किसे सपोर्ट कैसे करें? पसंद किसे करते हैं भाई? पसंद तो आप जैसे गांव में तो लहर जी जेपी की है, तो भाई गांव के साथ चलना पड़ा। तो हमारे साथ यहाँ पर गाँव के कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि सर क्या वोट डाल के आ चुके हैं? नहीं, जाएंगे, अभी जा रहे हैं। जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं? विकास के मुद्दों पर। विकास के? किस प्रकार का विकास? गली का, रोड का, पानी का, रोजगार का। और क्या लगता है आपको कि आप जिस भी उम्मीदवार को वोट डालने वाले हैं वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेगा, बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल युवा है जी, बहुत अच्छे काम कर। नमस्कार। नमस्कार जी। तो किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने के लिए आज पहुँचे हैं? भ्रष्टाचार, महंगाई और मतलब डेवलपमेंट के दी जी। और क्या लगता है आप जिस भी उम्मीदवार को वोट डालेंगे वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। किन किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट डालने के लिए आए हैं? वोट डालना रहे और के आप डाल लूंगा, कोई जवाब नहीं। तो अंकल जी गुस्सा हो गए। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी आपका नाम? सूर्य कुमार। क्या कुछ मुद्दे लेकर आए हो आप आज वोट डालने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए? जी मुद्दे हैं, पढ़ाई का है, लिखाई का है जी, बहुत अच्छे काम करेंगे, बहुत अच्छे। और क्या लगता है जिस भी उम्मीदवार को आप वोट करोगे वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? हाँ जी, हाँ खरे उतरेंगे हमारी मुद्दा। तो मैं आपको दूसरे बूथों की तरफ भी लेकर जाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार का माहौल गांव के अंदर अभी मौजूद है। और बात करते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने में लोगों का कितना क्या कुछ योगदान है। और हमारे साथ है यहाँ गांव के कुछ बुज़ुर्ग और युवा अभी मौजूद हैं, उन्हें उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किस प्रकार का योगदान ये लोग दे रहे हैं। जी जी नमस्कार, आपका नाम? जय भगवान है जी। तो लोकतंत्र को मजबूत करने में किस प्रकार का योगदान आप देने वाले हैं? हम दिग्विजय को देने वाले हैं। गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? दलबीर सिंह कुंडू। दलबीर सिंह कुंडू जी, हाँ जी। तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, आप वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? पार्टी विकास कराएगी जो उसी की वोट डालेंगे, जो भी पार्टी विकास कराएगी उसी की वोट डालेंगे। और क्या लगता है जिस भी उम्मीदवार को आप चुनोगे वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? इसीलिए तो चुन रहे हैं भाई, खरा उतरेगा, अगर खरा नहीं उतरेगा तो हम क्यों चुनेंगे जी। जी और युवाओं को क्या कहना चाहोगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या उनको एक अपील करना चाहोगे उनसे आप?
युवाओं को अच्छे व्यक्ति की अपील करूंगा, वोट डालो अच्छे व्यक्ति को जो अपना बढ़िया रोजगार देश के। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और साथी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम? मेरा कृष्ण कुंडू। आप बताओ, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किन मुद्दों को लेकर आप आज वोट डालने के लिए पहुँचे हैं? बेरोजगारी दूर होनी चाहिए जी, फसल का अच्छा भाव जी, फसल का जो है भाईचारा कायम जी, जातिवाद से डर लगता है हमें जी, इस इलेक्शन में जातिवाद ज़्यादा चल रहा है जो देखने को मिला है जी। हम उस नेता के साथ है जो जातिवाद को ख़त्म करे, बेरोजगारी को ख़त्म करे, रोजगार दिलाए, यही मुद्दे हैं हमारे। तो क्या लगता है आपको, आप जिसे चुनेंगे वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? 100% 100% क्या गारंटी दे सकते हैं आपकी वो 100% है? 100% 100% 100% हाँ जी। और नौजवानों को क्या संदेश आप देना चाहोगे कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए? अच्छे नेता को घर से निकल कर 100% वोट डालेंगे जब अच्छा नेता चुना जाएगा। तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा गांव के कुछ और बूथ भी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गांव में किस प्रकार की व्यवस्था है। और लगातार कैमरामैन से चाहूँगा एक बार ही दोबारा दिखाए गांव की किस प्रकार युवा योगदान दे रहे हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। और लगातार हमारे साथ बने रहें, हम हर गांव की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लगातार आप तक हर खबर, हर वो जानकारी जो आपको चाहिए वो आप तक जल्द से जल्द लेकर आते रहेंगे। कैमरा सहयोगी विशाल सिंगला के साथ पंकज शर्मा, कंचन टीवी, सफीदो।